वेलकम टू द जियोलॉजी एम सी यू सीरीज फ्रॉम के एम आगर नाउ वी हैव कम्पलीटेड फर्स्ट चैप्टर दिस इज द वीडियो वन फॉर चैप्टर टू एंड यहाँ पर हम बात करेंगे वेदरिंग एंड सॉयल प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बट बिफोर वी बिगिन अगर आप गेट नेट जी एस आई या आई टी एम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं सिंपली प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिए जियो खान जियोलॉजी एंड यू कैन प्रिपेयर विद दस सो नाउ वो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल डिसंटीग्रेशन एंड कैमिकल डिकम्पोजिशन आर द पार्ट ऑफ सो वॉट आर दीज फिजिकल डिसिनटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन आप जानते हैं कि वी हैव अ सॉफ्ट हार्ड रॉक एंड ये हार्ड रॉक जब समेक्टर्स कुछ फैक्टर्स के थ्रू ये लूज पड़ जाती है कमज़ोर हो जाती है सो so, इसको हम कहते हैं वेदरिंग ना जो फैक्टर्स इस पर वर्क करता है वो कुछ फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं लाइक like टेम्परेचर हो सकता है प्रेशर हो सकता है एंड वो फैक्टर्स केमिकल भी हो सकते हैं लाइक like, कार्बोनेशन हो सकता है हाइड्रेशन की प्रोसेस हो सकती है सो दीज आर द फिजिकल डिसइंटिग्रेशन एंड कैमिकली डिकम्पोजिशन आर द पार्ट ऑफ वेदरिंग सिंपली रिमूव लूजनिंग ऑफ रॉक मटेरियल सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नौ क्वेश्चन नंबर टू इज डेनोडेशन इज आइदर वेदरिंग एरोजन और दे आर कॉम्बिनेशन एंड नन ऑफ दिस टू सो so, डेन्युडेशन में क्या होता है सिंपली यू हैव द हार्ड रॉक एंड ड्यू टू एक्शन ऑफ वेदरिंग ये लूज पड़ जाती है ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स इसके टूट जाती है देन ये जो टूटे हुए छोट छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये रिमूव हो जाते हैं एंड ये टोटल प्रोसेस कहलाती है डेन्यूडेशन तो इसमें पहले तो इरोजन पहले तो वेदरिंग हो रही है जिससे रॉक हमारी लूज पड़ी एंड देन जो पार्ट थे वो यहाँ से रिमूव हो गए दैट मीन्स इरोजन भी हो गया सो इट इज़ द वेदरिंग एंड इरोजन कॉम्बिनेशन विच इज नॉन एज द डेनोडेशन दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन विल बी अवर राइट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इज एक्सफोलिएशन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नाउ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है बिटवीन द एक्सफोलिएशन एंड एंड एसफोराडल वैदरिंग कि कौन सा वैदरिंग इसमें से फिजिकली uh, वैदरिंग के थ्रू फॉर्म होता है एंड कौन सा फीचर इसमें केमिकली वैदरिंग के थ्रू फॉर्म होता है सो so, जो एक्सफोलिएशन है इट इज़ सॉरी एक्सफोलिएशन इज फॉर्म्ड बाय द फिजिकल वैदरिंग वाइल जो एक्रायडल वैदरिंग होती है वो हमारी फॉर्म होती है केमिकल वैदरिंग के थ्रू इसीलिए सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट right आंसर हो जाएगा नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ केमिकल वैदरिंग <coughs> तो यहाँ पर काफ़ी सारी प्रोसेसेस दी गई हैं लाइक ऑक्सीडेशन हाइड्रेशन हीटिंग एंड कूलिंग एंड कार्बोनेशन ये चारों प्रोसेस के थ्रू तो हमारी वेदरिंग होती है वेदरिंग मीन्स लूजनिंग ऑफ रॉक मटेरियल ओके लेकिन इसमें से जो हीटिंग एंड कूलिंग है इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड यू नो दैट टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वान्टिटी सो हीटिंग एंड कूलिंग इज़ द पार्ट ऑफ़ फिजिकल वैदरिंग और वी कैन से दैट फिजिकल डिसंटीग्रेशन इज डन बाई द हीटिंग एंड कूलिंग सो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन इज वॉट विल बी द प्रोडक्ट बैंड फेल स्पार एंड वैदरिंग नाओ यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे पास फैमिलीज होती है मिनरल फैमिलीज लाइक यू हैव द ओलिविन पैरोक्सिन एम्फीवोल फेल स्पार्स ओके okay. सो so, जब इनकी वेदरिंग होती है मीन्स दे लूज पड़ जाती हैं बिकॉज ऑफ़ केमिकल एक्शन आइदर जैसा कि अभी हमने देखा कि ऑक्सीडेशन हाइड्रेशन कार्बोनेशन सो इनके कंपोजिशन में चेंज आ जाता है एंड ये मिनरल्स किसी और मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं नाउ सो एज़ फार एज़ द फैल्स फार इज कंसर्न दे आर कन्वर्टेड इन टू द क्ले मिनरल्स तो यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नाउ बुक में एक uh, टेबल भी दी हुई है कि इसी मिनरल्स का ट्रांसफॉर्मेशन इफ देर इज क्वार्ज मिनरल एंड इट गोज गोज इट अंडर गोज सो इट विल कन्वर्ट इन टू स्मॉलर क्वाड्स ग्रेन्स एंड कंपोजिशन इज मेनली सिलिका नो इफ़ देर इज़ फल्सफार मिनरल्स देन दे विल कन्वर्ट इन टू द क्ले मिनरल्स एंड कंपोजिशनली वी विल गेट सिलिका पोटेशियम सोडियम एंड कैल्शियम नाउ इफ देर आर हॉर्नब्लैंड यू विल गेट क्ले मिनरल्स and you may get limonite as well as hematite so here chemical composition will be your silica calcium and magnesium as well but you have the olivine group of minerals like phosphorus phthalate and between these two so you will get the residual product as limonite and hematite and the compositionally you will get mainly silica and magnesium although there are uh, smaller scale uh, elements also but the major एलिमेंट्स और मेजर एनाइंस मेजर कैटाइंस यू विल गेट दिस ओके ना वन नेक्स्ट वन इज़ वेदरिंग ऑफ रॉक्स डिपेंड्स अपॉन ना ये जो लूजनिंग ऑफ रॉक मटेरियल है ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है इट्स डिपेंड्स ऑन द रॉक कम्पोजिशन अगर उसका कम्पोजिशन कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी हार्ड होते हैं और इतनी जल्दी वो लूज नहीं पड़ते हैं विद द एक्शन ऑफ फिजिकल क्वान्टीज और विद द केमिकल डिकम्पोजिशन वो जल्दी से लूज नहीं होते हैं सो रॉक विल गोज रॉक जो है वो धीरे धीरे वैदरिंग होगी सो रॉक कंपोजिशन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है टू कंट्रोल द वैदरिंग देन पार्टिकल साइज इफ़ वी हैव द स्मालर पार्टिकल दैन वैदरिंग जो है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है नो केमिकल कंडीशन ऑल्सो डिपेंड्स वाट विल हैपन अगर आपके पास डैजर्टिक एरिया है दैन यू हैव नो वाटर अगर वाटर नहीं है तो जो भी केमिकल रिएक्शन्स हैं वो काफ़ी स्लो हो जाती हैं और नेग्लिजिबल हो जाती हैं सो so, अगर डैजर्टिक कंडीशन है तो सिर्फ और सिर्फ हमें जो है फिज़िकल फैक्टर्स देखेंगे वैदरिंग के लिए बट वहीं पर अगर ह्यूमड कंडीशनस हैं वहाँ पर वाटर भी अवेलेबल रहता है सो so, फिज़िकल केमिकल बहुत फैक्टर्स इन्वाल्व होंगे वैदरिंग करने में सो so, इस तरीके से केमिकल कंडीशनस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वेदरिंग रेट ऑफ वेदरिंग को डिफाइन करने में इसीलिए यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दैट ऑल ऑफ द एबव आर द आर आर कंट्रोल्स द रेट ऑफ वेदरिंग वैदरिंग सेवेंथ क्वेश्चन इज कंसिडर द टू स्टेटमेंट यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड यू हैव टू सेलेक्ट द रॉन्ग रिजल्ट इन दो स्टेटमेंट से ये चार रिजल्ट्स दिए गए हैं आपको पता करना है इनमें से कौन सा रिजल्ट जो है वो गलत है सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एनी सॉलिड कंसोलिडेटेड मटेरियल लाइंग ऑन द टॉप ऑफ बेड रॉक इज कॉल्ड रिगोलिथ सपोज दैट यू हैव अ बेड रॉक समथिंग लाइक दिस एंड इसके ऊपर आपका काफ़ी सारा अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है ओके okay. इस तरीके से इसको हम कहते हैं रिगोलित नाउ <coughs> सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है अ पोर्सन ऑफ रिगोलिथ विच सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड सॉइल अब मान लीजिए इसका रिगोलिथ का ये छोटा सा पार्ट है लेट मी चेंज द कलर इट इज़ ब्लैक ओके ना ये जो रिगोलिथ का पार्ट है इसमें प्लांट्स भी उग सकते हैं सो so, अगर इसमें प्लांट उग सकते हैं देन वी विल कॉल इट सॉइल ओके ये दो स्टेटमेंट हैं अब हमको जो है रिजल्ट देखना है सो so, रिजल्ट में क्या क्या है फर्स्ट ऑप्शन इज एवरी सॉइल इज अ रेगोलिथ जैसा कि आप देख सकते हैं कि सॉयल वो रेगोलित का ही पार्ट है सो एवरी सॉइल इज रिगोलिथ ये हमारा सही है देन सेकेंड ऑप्शन एवरी रिगोलिथ इज अ सॉयल नहीं ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर बाकी रिगोलिथ भी है जिसमें पेड़ नहीं उग सकते सो दे विल नॉट कम्स अंडर द सॉइल थर्ड ऑप्शन इज सॉइल इज रिगोलिथ यस सॉइल इज रिगोलिथ जैसे कि अभी देखा एंड फोर्थ वन इज ऑल आर इनकरेक्ट सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द रॉन्ग रिजल्ट एंड रॉन्ग रिजल्ट इज ऑप्शन नंबर टू एवरी रेगुलेट इज अ सॉयल दिस इज रॉन्ग ओके सो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन नाउ क्वेश्चन नंबर एर्थ वन इज इन द दॉयल प्रोफाइल विच हॉरिजन इज कॉल्ड द जोन ऑफ एकोमोलेसन So in the soil profile, you have the many horizons. You have divided the profile into different parts, like A horizon, B horizon, and C horizon. So here you have the B horizon, where this is the zone of accumulation. Now what happens is, is that from horizon A there is leaching of the material, and that will accumulate on the B horizon. That's why B horizon is known as the zone of accumulation. Now question number ninth one is. हाउ मैनी टाइप ऑफ सॉइल्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन सो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन वी हैव टू टाइप ऑफ सॉइल्स एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन रेजिडअल सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट सॉइल रेजिडुअल सॉइल मीन्स सॉयल विच इज फॉर्म्ड एट द प्लेस ऑफ ऑरिजिन जैसे कि हमारा कोई ये हार्ड रॉक है एंड यहाँ पर वैदरिंग होती है केमिकली डिकम्पोजिशन होता है सो so ये रॉक एक क्ले में कन्वर्ट हो जाती है एंड दैट इज़ दॉयल सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ रेजिडल सॉयल बट अगर यही लूजनिंग ऑफ जो मटेरियल है लूज्ड मटेरियल है ये ट्रांसपोर्ट होकर कहीं और डिपॉजिट हो जाता है सो इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सॉइल क्योंकि यह अपने ऑरिजिन से ट्रांसपोर्ट होकर के आई है ओके सो दिज आर द रेजिडल एंड ट्रांसपोर्ट सॉइल सो यू हैव द फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर टेंथ वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर रॉन्ग so there are some combinations like we have the river alluvial deposit lakes with lacustrine deposit wind with air deposit and glacier with the glacial deposit so yahan par river ke through jo bhi work hota hai jo bhi deposition hota hai usko hum kehte hain alluvial deposit lakes में जो भी depositional work होता है उसको हम कहते हैं lacustrine deposit glacier ग्लेशियर में जो भी डिपोजिशनल वर्क होता है उसको हम कहते हैं ग्लेशियर डिपॉजिट बट जो विंड यानी हवा के द्वारा जो भी डिपॉजिट्स होते हैं उनको हम एयर डिपॉजिट नहीं कहते हैं उनको हम कहते हैं ईओलियन डिपॉजिट ओके सो थर्ड ऑप्शन इज योर राइट इज योर द रोंग वन एंड हैं हमारा जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर एक टेबल दी हुई थी हमारी के एम बुक में जिसमें ये सारे दिए हुए हैं लाइक रिवर इज द एलोवियल लेक्स को हम कहते हैं लेकस्ट्राइन सी इज़ द मरीन विंड इज इओलियन ओके नॉट ईयर एंड ग्लेशियर इज द ग्लेशियर डिपोजिट ना क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ वन इज़ विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस अकॉर्डिंग टू द इनक्रीजिंग साइज ऑफ सॉयल पार्टिकल्स ना जैसा कि हमने देखा कि वेदरिंग में एक लार्ज रॉक मास होता है और वो लूज हो जाता है वो डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है ना ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स काफ़ी छोटे भी हो सकते हैं और ये साइज़ में कुछ बड़े भी हो सकते हैं सो देयर इज अ रेंज ऑफ देयर साइज सो अकॉर्डिंग टू दैट रेंज हमारा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ओके इंक्रीजिंग साइज सो अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग साइज वी हैव द क्ले दैट इज़ द स्मॉलेस्ट और फाइनेस्ट देन सिल्ट सैंड एंड ग्रेवल यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट right आंसर हो जाएगा नो अकॉर्डिंग टू द बुक हमारे पास ये एक टेबल दी हुई है लाइक क्ले यू हैव द स्मॉलेस्ट वन साइज इज लेस देन पॉइंट जीरो जीरो टू मिलीमीटर देन वी हैव सिल्ड फाइन सेंड सेंड देर आर थ्री वेराइटीज ऑफ सेंड यू कैन गेट फाइन सेंड मीडियम सैंड एंड कोर्स सेंड देन यू हैव द ग्रेवल बोल्डर्स सो दिस इज द इंक्रीजिंग इन देयर साइज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ओके सो यू हैव द टू स्टेटमेंट लाइक फर्स्ट वन इज सॉयल विच इज कंटेनिंग क्ले एंड सैंड इज कॉल्ड नौ जो भी हमारा वैदरिंग प्रोडक्ट है अगर वो क्ले और सैंड का मिक्सचर है तो उसको हम कहते हैं लोम नौ जो सेकेंड स्टेटमेंट है क्ले सॉयल हैविंग एप्रीसीएल लाइम कंटेंट इज कॉल्ड मार्ग अगर हमारा जो वैदर्ड प्रोडक्ट है उस वो क्ले कम्पोजिशन का है एंड उसमें लिटिल विट कम्पोजिशनली लाइम है सो so, इसको हम कहते हैं मार्ल दैट मीन्स हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट right आंसर हो जाएगा दैट बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड